हेलो एवरीवन, अब हम नेक्स्ट देखते हैं लेवलिंग और डीएफडी। डीएफडी में अभी हमने बात की थी कि हम लेवल्स में हायरार्की में डिवाइड करते हैं, तो लेवलिंग क्या होता है। हम जो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम जो हमारा इनिशियल एब्स्ट्रैक्ट व्यू देता है सिस्टम का, फिर उसके बाद हम डिटेल्स में जाते हैं। अब हम प्रोसेस को फिर सब डिवाइड करते हैं सब प्रोसेस में, ठीक है। तो हर एक प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। उस प्रोसेस के अंदर हो सकते हैं कई प्रोसेस हो, तो इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, लेवलिंग। डीएफडी में इस प्रोसीजर को लेवलिंग कहा जाता है, ठीक है। कि आप डिटेल्स ऐड करते जा रहे हो, यू आर क्रिएटिंग लेवल्स। जैसे हमने ट्री जब पढ़ा था तो रूट लेवल, फिर उसके बाद उसके इनर प्रोसेसेस, फिर उसके बाद इनर प्रोसेस। तो इस तरीके से हम जब करते हैं तो हम उसको लेवलिंग कहते हैं, या हम प्रॉब्लम को डिकम्पोज करना चाहते हैं, है ना। बड़ा सा प्रॉब्लम है, अब हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में सॉल्व करते हैं, तो हर एक मॉड्यूल के अंदर क्या क्या फंक्शन है, तो फिर हम उसको लेवल्स में डिवाइड करेंगे, तो हम उसको डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, फैक्टरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक डीएफडी में 6 to 7 लेवल हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम। मतलब आपका सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है, कितने ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन है, उस पे डिपेंड होके आपके पास 6-7 और भी लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा नंबरिंग द प्रोसेस। अब हमें क्या करना होता है, प्रोसेस को हम नंबरिंग करते हैं, इसलिए नंबरिंग करते हैं ताकि हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें कि वो कौन सा प्रोसेस है और कौन से लेवल का प्रोसेस है, ठीक है। तो इसलिए हमें नंबरिंग ज़रूरी है। और जब हम डिकम्पोज कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे प्रोसेस को सब प्रोसेस में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम उसको फैक्टरिंग या एक्सप्लोडिंग अ बबल, बबल रिप्रेजेंट व्हाट, प्रोसेस, तो हम उसको फैक्टरिंग या एक्सप्लोडिंग अ बबल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट लेवल पे जो हमारे पास प्रोसेस है उसको हम नंबर 0 असाइन करते हैं, तो ये इंडिकेट करने के लिए ये 0 लेवल डीएफडी है। उसके बाद लेवल 1 में हम किस तरीके से नंबर करते हैं, 0.1, 0.2, 0.3 एक्सेट्रा। तो इसी तरीके से जब हम नंबर करते जाते हैं प्रोसेस को, तो एक्स को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो उसके चाइल्ड कहाँ पे होंगे, x.1, x.2, x.3 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको अपने प्रोसेस को नंबर करना चाहिए, ठीक है, टू मेक इट मोर क्लियर। आपका डीएफडी देख के कोई भी समझ जाए कि ये कौन सा प्रोसेस, ये प्रोसेस जो हम बात कर रहे हैं वो कौन से लेवल पे बैठा हुआ है, और फिर उसको किस तरीके से आपने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। नंबरिंग से हमें एक आइडिया मिल जाना चाहिए। तो नंबरिंग क्या बता रहा है हमको, नंबरिंग हमको बता रहा है लेवल, बता रहा है उसके पेरेंट, बता रहा है उसके चिल्ड्रन, बता रहा है, ठीक है। तो नंबरिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट